हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आप सभी अच्छे होंगे। स्टूडेंट आज की इस वीडियो में जानेंगे कि कैंसिल सीटों पे आपको एडमिशन कैसे मिलेगा, सेकेंड अलॉटमेंट के बाद क्या आपको इंतजार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कितने परसेंट लोग अभी एडमिशन कैंसिल कराने के लिए सोच रहे हैं। ठीक है, तो इन तीन टॉपिक पे बात करेंगे। सबसे ज्यादा परेशान है, सेकेंड अलॉटमेंट आ चुका है, अपग्रेडेशन के रिजल्ट आ चुके हैं, सभी स्टूडेंट जितने भी स्टूडेंट थे सभी ने चेक कर लिया है। समस्या इस बात की है, स्टूडेंट कह रहा है भैया कि अब क्या हमको एडमिशन मिल सकता है। हाँ, एक चीज से एडमिशन मिल सकता है, जानते हो क्या? यदि आपके जगह पे, जैसे मान लो आप एक स्टूडेंट हो, आपने क्या किया, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था और यूनिवर्सिटी में आके आप अप्लीकेशन दे के अपने अलॉटमेंट, देखो आपको एक प्रोसेस इसमें बता दे रहा हूँ। जैसे मान लो किसी को एडमिशन कैंसिल कराना हो, ठीक है, उसे क्या करना होता है, अपना अलॉटमेंट लेटर और एक अप्लीकेशन लिख के सबसे पहले डीन ऑफिस में जमा करना होता है, जहाँ भी उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया, उसके बाद से वहाँ से सिग्नेचर करा के सीधा ले जाके सीपीएमटी को, मतलब एडमिशन ऑफिस में जमा कर देते हैं, तो उनके जो होते हैं एडमिशन कैंसिल हो जाते हैं। और इसका जो प्रोसेस होता है, अगर आप 30 दिन के अंदर करते हो तो आपका केवल 10% अमाउंट जो होता है फीस का वो डिडक्ट कर लिया जाता है, बाकी पैसे आपके अकाउंट में वापस कर दिए। अगर कोई ऐसा काम करता है, जो भी स्टूडेंट होता है कि मतलब ऐसे काम करता है कि ले जाके अपने रिफंड करा लेता है, उसकी जगह पे किसी और स्टूडेंट को एडमिशन लेने का मौका दे देता है। क्या भैया हमको मौका मिल जाएगा, मेरा 5000 रैंक है, अगर ये मेरा दोस्त कैंसिल करा ले तो मुझे मौका मिल जाएगा? नहीं, वो भी मौका कैसे मिलेगा, सिर्फ स्टूडेंट जो भी मान लीजिए उनसे ज्यादा रैंक वाला होगा या कम रैंक वाला होगा, जो भी लखनऊ यूनिवर्सिटी जैसे ही कैंसिल सीटों का डेटा बनाएगी या कि हाँ टोटल बीकॉम में 800 सीटें हैं तो 150 लोगों की एडमिशन कैंसिल करानी है, तो एक बार लखनऊ यूनिवर्सिटी थर्ड अलॉटमेंट करेगी। भैया ये थर्ड अलॉटमेंट कब तक होगा? ये थर्ड अलॉटमेंट जो जब होता है लगभग, ये मान के चलिए कि पूरे पूरे एक महीने का प्रोसेस होता है स्टूडेंट। जब सभी यूनिवर्सिटी के एडमिशन फाइनल हो जाते हैं तब लखनऊ यूनिवर्सिटी सोचती है कि हमारे किस किस कोर्सेज में कितने कितने सीटें बचे हैं, ठीक है, उन उन सीटों का ब्यौरा निकालती है, फिर उसके बाद से विचार करती है, फिर एक नोटिफिकेशन जारी करती है कि हम थर्ड अलॉटमेंट जारी कर रहे हैं, ठीक है, इतनी इतनी सीटें बची हुई हैं इस कोर्सेज से। तो फिर लखनऊ विश्वविद्यालय आपसे चॉइस फिलिंग कराएगी, चॉइस फिलिंग का कोई पैसा नहीं लगेगा, जो आपने पहले पैसा दे दिया था उसी पर चॉइस फिलिंग का मौका मिलेगा। इससे क्या होगा स्टूडेंट, आपको एडमिशन मिलने का मौका, लेकिन भैया ज्यादा टाइम हो जाएगा, क्या मैं वेट करूं या ना करूं? तो आपको सबसे पहले मैं एक सलाह दूंगा, आप कहीं भी एडमिशन ले लीजिए, ठीक है, एनयू के चक्कर में आप कहीं अपना दूसरा सीट मत छोड़िए, किसी भी अफिलिएटेड कॉलेज या कहीं भी एडमिशन ले लीजिए और बस एनयू का इंतजार करिए। अगर आपके भाग्य में होगा तो आपको एडमिशन जरूर मिलेगा। और ये हर साल का हम लोगों का देखा है, पिछले 4 सालों से हम लोग देख रहे हैं, लगभग हर कोर्सेज में 10-20% जो स्टूडेंट होते हैं पहले एडमिशन लेते हैं बाद में कैंसिल कराते हैं। अब आपको इसका सीधा जवाब मिल गया होगा कि भैया सेकंड काउंसलिंग के बाद वेट करें या क्या करें, इसका जवाब मैंने दे दिया। मींस आपको क्या करना है, इंतजार करना है सीट का कि आपको थर्ड अलॉटमेंट चांसेस मिल जाए, ठीक है। लखनऊ यूनिवर्सिटी मैक्सिमम जो होता है 4 अलॉटमेंट जारी करती है, लेकिन अधिकतर जो सीटें खत्म हो जाती हैं वो थर्ड अलॉटमेंट, तो अभी भी आपको धैर्य बनाए रखना और इंतजार करना है, क्योंकि जब तक लखनऊ यूनिवर्सिटी में आप धैर्य नहीं बना रहे, इंतजार नहीं करोगे, तब तक सीट नहीं मिल पाता है। जब सीट उन्हीं को मिल पाता है या तो बहुत टॉप रैंक में रहती है या तो बहुत कम रैंक वाले को सीट मिल जाता है, लेकिन कम रैंक वाले को तब सीट मिलता है जब सभी टॉप रैंक वाले या सारी यूनिवर्सिटीज के एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि रोज के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और लखनऊ विश्वविद्यालय की डेली अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट www.luupdate.com पे जरूर जाइएगा। थैंक यू सो मच।